जौनपुर में एक सरफिरे युवक ने युवती के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये मामला जनपद रामपुर के आगरपुर रोड स्थित सीआरपीएफ निवासी प्रियंका सक्सेना का है, जहां ज्वाला नगर के एक जनता डेंटल में काम करती थी। वहीं पर धीरेंद्र यादव नाम का युवक आगपुर निवासी भी काम करता था। धीरेंद्र यादव युवती को आए दिन परेशान करता था। तंग आकर युवती ने अपनी नौकरी छोड़ दी तो धीरेंद्र युवती को नौकरी करने के लिए मजबूर करने लगा। मना करने पर फोन पर जान से मारने की धमकी भी देने लगा। धीरेंद्र यादव रात जब युवती के घर आया और युवती को अकेला देखकर उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे युवती के सिर और दोनों हाथों में चोटें आई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, साथ ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूरी बात बताओ, क्या हुआ? मेरा नाम प्रियंका सक्सेना है, मैं जनता हॉस्पिटल में काम करती थी। वहाँ पे एक लड़का काम करता था, धीरेंद्र नाम का। उनने मेरे उसकी बीवी ने मेरे और धीरेंद्र के नाम रिपोर्ट लिखवाई थी, एफ आई आर लिखवाई। इन दोनों का अफेयर है और ये 3 साल से रूम लेके रह रहे हैं। और मैं 10 से 5 ड्यूटी करती थी, बाकी टाइम में घर पर रहती थी डेली। कल हमला करने मेरे घर पे आ गए थे, उनने मेरे खस्सी मारी सिर पे और दोनों हाथ काट दिए। किसने मारी? धीरेंद्र यादव। कौन है वो? वहाँ पे काम करता है, सर टेंशन पे आगापुर में रहता है। अभी कुछ रिपोर्ट कराई आपने? रिपोर्ट मम्मी गई है रिपोर्ट कराने, कल करवाई थी तो उन्होंने कहा कि मेडिकल करवा दो। अभी कहाँ पर? मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्या चाहते हैं? आपका नाम? मेरा नाम दुनीत कुमार सक्सेना। ये आज क्या मामला है? कल रात जहाँ ये पहले नौकरी करती थी वहाँ पे इसका सहकर्मी भी नौकरी करता था, वो इससे जबरदस्त शादी करना चाहता है और इसने मना कर दिया। तो वो कल रात आया उसके घर हमारे घर, और वो लड़की और उसकी मम्मी घर पर अकेली थी। उसने दरवाज़ा खट लिया, मेरी लड़की ने दरवाज़ा खोला तो उसने धारदार हथियार से उसके सिर पर वार करा। उसके बाद में जब मैं अपना बचाव करने लगी तो आतापाई में इसके हाथों की दोनों हाथों की घूमने वो चोट आई है सांस आने, और उसके कंधे पे और पीछे पीठ पर उसने कई बार करे। उसकी मम्मी ने उसको बताया तो उसको देर का फरार हो गया। उस लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम धीरेंद्र यादव है। धीरेंद्र यादव जो आगापुर में रहता है। आगापुर में रहता है तो ये कितने टाइम से हैं नौकरी करती है वहाँ पर? दिसंबर से लगी थी। मार्च में उसकी नौकरी छुड़वा दी। मार्च में छुड़वा दी? हाँ। लेकिन लड़का ये ज़्यादा तुम नौकरी करो। हाँ। फोन पर उसको धमकी देता है कि नौकरी नहीं करोगे तो मैं जान से मारूँ। नौकरी नहीं करोगे तो जान से? हाँ। कौन सा अस्पताल था जिसमें नौकरी करते? जनता डेंटल। जनता डेंटल। जो महिला के हाथ कटे हैं, ये छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। ये धीरेंद्र यादव नाम का लड़का है, अपने 3 साथियों के साथ एक लड़की के घर पर गया और उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे ले जाने का प्रयास करने लगा। घर वाले आ गए तो उसने लड़की पर हमला कर दिया। इस संदर्भ में थाना सिविल पर पंजीकृत किया गया और जल्दी ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाए। जैसे किन धाराओं में किया है ये मामला? ये 452, 324 और अन्य धाराएँ अपहरण किए हुए। तो इसमें लड़की चोटिल हुई है, उसका हाथ की उंगलियां भी कटी हैं। हाँ, जो मैंने बताया उसने हमला कर दिया था धीरेंद्र यादव। इसमें कुछ ऐसी सूचना है, अफेयर था इन लोगों में आपस में, कुछ पहले से जान पहचान थी? हाँ, कुछ इस तरह का सुना गया है अभी, और इसमें गहराई से जान करेंगे कि लड़का और लड़की